The first reason, people play this game without a mentor, without a coach. It's a game. Business is not a normal day, 9-to-5 wala job. It's a game where there are success, there are failure, there will be a team, there will be strategies, right? Rananiti hogi. Aapke decisions, kisi ne bahut sahi kaha ki decisions galat ho gaye. To decisions isliye galat hue kyunki decision making jo hai, wo bahut strategic hona chahiye business mein. Second reason, lack of entrepreneurial mindset. जो मैंने फर्स्ट सेशन में कवर किया कि धंधे का सो दिस इज द रीजन व्हाई मारवाड़ी गुजराती और सिंधी पीपल यूजुअली सक्सेड इन बिजनेस बिकॉज दे हैव द माइंडसेट. घर में धंधा देखा है ना बचपन से. सो इफ यू डोंट हैव एनी फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड, इफ यू डोंट हैव यू हैव नॉट सीन बिजनेस इन योर जॉब लाइक ही सेड कि उनके सेल्स का जॉब था तो यू वर इन द सेल्स राइट. तो आपके तो चांसेस फेलियर के ज्यादा है क्योंकि आपने बिजनेस पे काम नहीं किया. स्पेशली ऑल द आईटी पीपल, दिस इज अ क्लियर क्लियर रेड सिग्नल टू ऑल ऑफ यू गाइस. You have to make sure that you don't know sales, you don't know marketing, you don't know, you might know something, but rigorous nahi pata hai. You are great in technology, you are great in coding, so you focus on that. Aur baki part kisi se karwa lo. Biggest reason why startups fail. They don't fail in building a good product. Itne achhe apps, itne achhe platforms, itne achhe e-commerce ki site, agar hum log time permit karta hai na, to Google pe dekhenge. बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स है, सेल नहीं हो रहे बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू सेल ऑन वन ऑन वन बेसिस, दे डोंट नो हाउ टू सेल इन पब्लिक एंड दे डोंट नो हाउ टू सेल डिजिटली. एंड सेलिंग इज नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग, देयर आर इनडायरेक्ट वेज ऑफ सेलिंग. मैं व्हाट्सएप पे सेल किया हूं, जस्ट व्हाट्सएप पे, बोलना नहीं कुछ नहीं, नो कन्विंसिंग नथिंग. यू नो व्हाई? बिकॉज एक्सपीरियंस है. सेल्स और मार्केटिंग खून में है और वो सिखा सिखा के लिख लिख के क्या है, उसका एक्सपर्टीज बिल्ड हो गया है. तो जिनके पास जिस चीज का एक्सपर्टीज है उनसे वो चीज सीखना बनता है बॉस. सो सेल्स एंड मार्केटिंग इज समथिंग विच आई पर्सनली फील दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन. सो पीपल फेल टू सेल, पीपल शट देयर शॉप बिकॉज देयर इज नो मनी. नाउ इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ देयर डेस्टिनी, इट इज द प्रॉब्लम दे फेल टू रेज द फंड्स. Fund is available, angel investors are available, venture capital is available, government schemes are available, private equity is available. Then there are people like us who want to invest. कोई है ऐसा जहां पे बहुत बड़ा technology बनाया था but no customer is using the product. They are building something, an app or a technology. They are building a technology and they have invested almost 15 lakhs, 15 to 20. ये तो नॉर्मल नंबर है. एंड आफ्टर वन एंड हाफ ईयर दे सडनली रियलाइज आता बनी हे तो कोणाला पाहिजेच नव्हतं. नो इट इट्स हॅपनिंग गाइस, इट्स हॅपनिंग एंड दॅट्स नॉट देअर मिस्टेक, इट्स जस्ट राइट गायडन्स दे मिस्ड, दॅट्स इट. सो मेक श्युअर की यू आर बिल्डिंग समथिंग विच पीपल नीड. दिस इज अ प्रोडक्ट, आय नीड इट, आय एम युझिंग इट. अच्छी टीम न मिलना एक बहुत बड़ा रीजन है. गूगल इज गूगल बिकॉज दे हैव लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन एंड नाउ वी हैव दे हैव आवर इंडियन सुंदर पिक्चर है. सो एवरी डैम कंपनी, फेसबुक के हमको सिर्फ मार्क जुकरबर्ग पता है बट देर इज अ टीम ऑफ 4-5 पीपल हु आर सपोर्टिंग हिम. इंफोसिस के हमको सिर्फ नारायण मूर्ति एंड देन नंदन निलेकनी पता है बट देर ऑल्सो टीम ऑफ 7 पीपल. सो ग्रेट टीम इज अ सक्सेस. दिस इज माई फेवरेट वन. दिस इज द रीजन वाई आई फेल इन माई फर्स्ट बिजनेस. This is the reason why I am successful today. People are not updating their skills regularly. खुद के ऊपर invest करके खुद का skill build करना. देखो colleges और school, ये बात ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा सा आवाज बढ़ा के बोलता हूं. Colleges और schools ने आपको skills नहीं दिए है. They have given language का training मिला है, ठीक है, पढ़ना लिखना सीख गए हम लोग और डिग्री मिल गई है बट स्किल, स्किल टू स्केल, स्किल टू एनालाइज द मार्केट, स्किल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, स्किल टू मैनेज पीपल, स्किल टू लीड पीपल, स्किल टू गेट द वर्क डन फ्रॉम द पीपल. ऐसे भी बहुत से लोग, अभी रिसेंटली किसी ने कहा ना कि मैं शादी में गया और टीम ने क्या किया धंधे को. लॉट ऑफ पीपल हैव आइडियाज एंड प्लान्स बट दे फेल टू इंप्लीमेंट. मतलब एकदम सरल भाषा में कहा जाए तो बड़ी बड़ी बातें और डैश 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 डैश. सो मेक श्योर कि यू आर यू इंप्लीमेंट.
यू टेक एक्शंस, यू मेक श्योर कि जो भी आपके मन में आता है उसके लिए आप एक स्टेप लेते हो, और स्टेप लोगे तो ही पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चलेगा. सो इंप्लीमेंटेशन इज एवरीथिंग. मेनी स्टार्टअप्स बिजनेसेस फेल बिकॉज दे डोंट हैव अ गुड सपोर्ट सिस्टम. सपोर्ट सिस्टम सगळ्या मराठी लोकांना परत एक मेसेज, जर का नाही आहे तर ती क्रिएट करू आपण. सिंपल. ऑल दोज पीपल हु फील दॅट देर इज समवन, देव देव है कोई, मिस्टर देव हु हैज कम फ्रॉम बंगाल, आई वॉज जस्ट स्टडिंग सम ऑफ द फॉर्म्स. कोई देव आए थे ना, आई हैव रेड द फॉर्म, प्रशांत देव और समथिंग, आई डोंट नो, आई विल फॉरगॉट द नेम, बट सर्वे में आता था. चलो एनीवेज, सो जितने भी लोग बाहर से आए हैं, मतलब नॉट फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र, आपको अगर लगता है कि आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, तो लेट मी टेल यू, मेरा एक क्लाइंट कोलकाता से है, न्यास्ता, दे आर इनटू डिजाइनर ब्रांड. मेरे एक क्लाइंट गुजरात से है, जो पीयूष अभी आके गए. लैक ऑफ कंसिस्टेंसी. एक 3 से 6 महीने में ना एक एंटरप्रेन्योर का असली टेस्ट चालू हो जाता है, एग्जाम, और 6 महीने से 1 साल में एग्जाम का जो है वो लेवल बढ़ जाता है, और 1.5 साल से 3 साल के बीच में उसका रियल परीक्षा चालू होता है. 3 साल अगर उससे निकाल लिए तो वो ग्रोथ कर्व पे चला जाता है. सो द ग्राफ इज ऑलवेज लाइक दिस, एट द स्टार्टिंग पॉइंट, देन इट गोज लाइक दिस, देन इट गोज कम, इट कम्स डाउन, बिकॉज यहां पे बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, एंड देन इट स्टार्ट ग्रोइंग अप, एंड देन वन पॉइंट ऑफ टाइम इट शूट अप लाइक एनीथिंग.